हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 10.2 का 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:1 है। अब यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 है तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि छात्राओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम पहले छात्र की संख्या निकालते हैं। छात्र की संख्या कितनी है, यहाँ पे अनुपात दिया गया है और कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो पहले हम छात्र की संख्या निकालते हैं, छात्र की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छात्र का अनुपात 2 है लेकिन छात्राओं का अनुपात 1 है। तो छात्र की संख्या निकालने के लिए हम 2 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे 2:1 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 और 1 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3, 2/3 हो गया। अब इसको हम कुल विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 से 510 को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 170। अब 170 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 340। तो ये हो गया छात्र की संख्या। अब हमें निकालना है छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या। तो छात्राओं का अनुपात कितना है, 1 है, तो 1 को हम ऊपर लिख देते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड करके नीचे 3 लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके, 2 और 1 को ऐड करके यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब गुना, गुना हमें करना है 510 यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 170 यानी कि छात्राओं की संख्या 170 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बताया है। अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। हमारा दूसरा मेथड है, हम उसमें अनुपातिक राशि मान के उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो पहले अब मैं आपको बताऊँगी कि अनुपातिक राशि क्या होता है, उसके बाद हम दूसरा मेथड भी स्टार्ट करते हैं। अनुपातिक राशि, तो इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम्पल समझना होगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे हमने लिख दिया 10/6, ठीक है, 10/6 इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ठीक है। इसका हमें अनुपात निकालना है, तो इसको हम मान लीजिए कि हम 2 से विभाजित करते हैं, ठीक है, 2 × 6 हो जाएगा और 2 × 5 = 10। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5/3 यानी कि ए अनुपात बी का अनुपात हो जाएगा 5:3। यहाँ पे इसका अनुपात 5:3 निकल गया, लेकिन हमने इसको विभाजित किससे किया था, 2 से विभाजित किया था, 2 से हमने 10 और 6 को विभाजित किया था। जैसे हमने इसका अनुपात निकाला, एक ही संख्या से ये दोनों ही संख्या विभाजित हो गई, इसका अनुपातिक राशि हो गया 2, 5 × 2 3 × 2, तो ये हमारा क्या हो गया, अनुपातिक राशि। यानी कि जिस संख्या से हमने विभाजित किया है उसी को हम उसके अनुपात से अगर गुना कर देंगे तो उसका टोटल आ जाएगा। 5:3 को हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/6 आ जाएगा। तो 2 जो है ये हमारा अनुपातिक भाग हो गया, अनुपातिक भाग या अनुपातिक राशि इसको बोल सकते हैं। तो आप समझ गए कि अनुपातिक भाग या अनुपातिक राशि क्या होता है। तो चलिए हम इस मेथड से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले माना कि अनुपातिक भाग x है, ठीक है। अब निकालना क्या है, छात्राओं की संख्या। तो छात्र की संख्या पहले देखते हैं, छात्र की कुल संख्या, छात्र की कुल संख्या 2 × x, 2 × x बराबर 2x हो जाएगा। और छात्रा की संख्या क्या हो जाएगा,
छात्राओं की कुल संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा, एक गुना एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पे एक गुना एक्स है, तो इसको हम सिर्फ एक्स लिखेंगे, एक यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वन एक्स को सिर्फ एक्स ही लिखा जाता है। तो छात्राओं की कुल संख्या एक्स और छात्र की कुल संख्या टू एक्स हो गई, ठीक है। अब प्रश्न से 2x प्लस एक्स इक्वल टू 510, 510 क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ पे अब हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया, ये टोटल 3x हो गया, बराबर 510 हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, x बराबर 510 बटा 3, तो 510 को हम 3 से विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 170 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 170, तो x बराबर हो गया 170। अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये छात्राओं की संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना था, छात्राओं की कुल संख्या बराबर x है, तो x का मान यहाँ पे आ गया 170। अब अगर आपको इसमें बोलता है कि छात्र की कुल संख्या बताइए, तो 170 को हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि x का मान तो हमें पता चल गया है, x यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, तो x के जगह पे हम 170 लिख देंगे, तो 2 गुना 170 करेंगे तो यहाँ पे छात्र की संख्या आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा छात्राओं की संख्या आ गई 170। तो ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे हम लिख देंगे छात्राओं की संख्या, तो क्या हो जाएगा 170, ये हो गया हमारा आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक परिवार की मासिक आय और व्यय का अनुपात 6:4 है, यदि परिवार की आय 6000 रुपये है तो परिवार की मासिक व्यय क्या होगी। दोस्तों इसका आंसर आप बिना इसको सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी सॉल्व करके। पहले हम इस तरह से देखते हैं, इसका अनुपात दिया गया है, मासिक आय और व्यय का अनुपात दिया गया है 6:4, तो यहाँ पे आय के बारे में तो बताया ही गया है कि आय है 6000 रुपये, यहाँ पे 6:1 में भी है और यहाँ पे 6000 रुपये इसका आय बताया भी गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मासिक व्यय क्या होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका मासिक व्यय जो है 4000 होगा, 4000 रुपये। कैसे, यहाँ पे 6:4 है और इसका आय जो है 6000 रुपये दिया गया है, तो सिंपल है, इसमें व्यय पूछ रहा है तो 4000 रुपया इसका व्यय हो जाएगा। जैसा कि हमने 6 नंबर के क्वेश्चन में देखा सेकंड मेथड, उसी मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ ये क्वेश्चन। तो पहले हम लिखेंगे, माना अनुपातिक भाग x है और आय कितनी है, आय हो जाएगी 6x हो जाएगी, और प्रश्न से हम लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 6000, यानी 6000। तो x का मान यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं, x हो जाएगा हमारा 6000 बटे 6, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1000, यानी x बराबर आ गया हमारा 1000 आ गया, यानी अनुपातिक भाग हमारा निकल चुका है x बराबर 1000। तो अब इसमें से जो भी बोल रहा निकालने वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आय तो दिया गया है यहाँ पे, तो आय हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना है व्यय। तो आय है 6x, तो व्यय कितना हो जाएगा इसका, व्यय हो जाएगा 4x, क्योंकि यहाँ पे इसका अनुपात दिया गया है कि आय और व्यय का अनुपात 6:4 है, तो जब हमने आय को 6x माना तो व्यय को हम मान लेंगे 4x, ठीक है। और x यहाँ पे क्या है, x है अनुपातिक भाग, तो x का मान हमें पता चल गया, x का मान 1000 है, तो व्यय निकालना है, 4 को हम 1000 से गुना करेंगे, x है यहाँ पे, तो x के बदले में हम यहाँ पे 1000 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x का मान 1000 आया है, तो 4 को 1000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4000, ठीक है, 4000 रुपये, ये हो गया हमारा आंसर। तो परिवार
का मासिक व्यय हो जाएगा 4000 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर है। एंड दोस्तों, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 जो है वो एक एक नियम से रिलेटेड है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। एंड दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।